बलिया में कब्र से निकाला गया महिला का शव। जी हां, बलिया में कोर्ट के आदेश पर पुलिस और नायब तहसीलदार एवं फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शुक्रवार को नगरा थाना क्षेत्र के खरगवाओ गांव में कब्र से मुस्लिम महिला का शव निकाला गया। करीब एक माह बाद कब्र से निकाले गए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि गाजीपुर जिले के थाना रेवतीपुर के अंतर्गत रेवतीपुर गांव की मृतका की मां परवीन बेगम ने नगरा थाने में तहरीर दिया कि मेरी पुत्री की शादी 2 जुलाई 2011 को खुर्शीद आलम पुत्र स्वर्गीय बशीर खां निवासी खरवाओ थाना नगरा जनपद बलिया के साथ हुआ। शादी के बाद से मेरी पुत्री को अपने पति के साथ उसके गांव खरवाओ में रहकर अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन पति के व्यवहार से दुखित रहती थी और क्षुब्ध रहती थी। 30 जुलाई 2024 को रात्र में मेरी पुत्री अपने पति के व्यवहार से तंग आकर जहर खाकर अपनी यह लीला समाप्त कर लिया, लेकिन ससुराल वालों के द्वारा हम लोगों की पुत्री की यह लीला समाप्त करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 27 अगस्त को आरोपी पति खुर्शीद आलम को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। तो वहीं इस मामले में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को पुलिस और नायब तहसीलदार एवं फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में मृतका सना खातून का शव कब्र खोदकर बाहर निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बलिया भेजा गया। इस बाबत नायब तहसीलदार राजेश यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया है और जांचें चल रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारा नाम अखलाक सरफराज खान, रहने वाले मऊनाथ भंजन के जमीन सहुल्ला गांव। हमारी बड़ी बहन जुबेदा खातून, बड़ी मतलब हमसे छोटी, उसकी शादी आज से 27-28 बरस पहले इसी गांव में इसी आदमी से, खुर्शीद आलम से हुई थी, जिससे उसे भी बहुत बुरी तरह से बार बार प्रताड़ित किया गया, कई बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन ऊपर वाले के कर्म रहा कि हम लोगों ने सक्षम थे इसलिए हम उसको बचा लिए। उसका प्रमाणित भी हमारे पास है, हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए, लाइट दिया गया उसको, और उसके बाद उसने सेकंड मेरे 2011 में वापस उसने कर लिया, और उसके बाद उसके साथ भी वही उत्पीड़ना करती रही। उसके घर के बाहरी हालात सही ना होने की वजह से वो लोग उसको ना बचा पाए और उसको जहर देकर मारा गया। हमें पूरा शक है इसमें कई लोगों की साजिश है। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। गाँव के लोगों की भी सहमति है, गाँव के सहमत से ही हम यहाँ पर इतनी हिम्मत जुटाए हैं और खड़े होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। खुर्शीद की कितनी शादी हुई थी? खुर्शीद की ये सेकंड औरत है। अच्छा। फर्स्ट हमारी बहन थी जिसको हम लोगों ने बचा लिया। फर्स्ट औरत से दो बच्चे, तीन बच्चे हैं, दो लड़के एक लड़की, जिसको हमने परवरिश करके इस लायक बना दिया कि वो अपने पेट पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। इसके बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी हम लेने के लिए तैयार हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई दुख नहीं, गाँव के अंदर सारे समाज के साथ हम कह रहे हैं, बच्चों की सारी परवरिश की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन इसकी सजा इसको हर हाल में मिलना चाहिए क्योंकि इसका पैसा बन चुका है। इसके बाद तीसरी की तैयारी में इसको मारा गया है। तीसरी भी एक है जो लोगों से पता चला है, वो जांच में आएगा, अगर जांच ढंग से होगी तो होगा। तो जो पहली उसको भी मारा गया है, जो पहली पत्नी है वो फिलहाल अभी क्या, पहली पत्नी जो है वो अपने बच्चों के साथ रह रही है। पहली पत्नी जो है उनको छोड़ा गया, उसको भी इसी तरह उत्पीड़न किया जा रहा था, छोड़ा नहीं गया, उसको उत्पीड़न किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कई बार जलाने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, लेकिन बस भगवान की मर्जी थी, हम लोग सक्षम थे, लेके भाग गए, बचा लिए, इसलिए वो यहाँ हम लोगों ने छोड़ दिया। जो अभी मरी है, ये आपकी कौन लगती है? ये हमारी मतलब कैसे कि हमारे खुर्शीद की सेकंड बीवी है, सेकंड बीवी है, जो हमारा भांजा है उसकी सेकंड माँ है, ये सेकंड माँ है, इसलिए हम लोग इसकी कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जो उस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर जो मतलब इस तरह से कार्रवाई करा सके, वो लोग सक्षम नहीं है, गरीब लोग हैं, बेचारे लाचार हैं, इसलिए हम लोगों को ये कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ा मजबूरी में। ठीक, मैं नायब तहसीलदार राजेश कुमार यादव रसड़ा। सर आज आप पोस्टमार्टम कराने के लिए अभी कहाँ पे आए हैं और क्या ये गांव? ये खरगवां गांव है, यहाँ पे एक प्रकरण था जिसमें मृतका की माँ ने जो है एक मुकदमा पंजीकृत कराया था कि हमारी बेटी को मतलब आपराधिक तरह से मतलब मारा गया, तो उसने मुकदमे के क्रम में कोर्ट के आदेश से आज जो बाड़ी डेड बाड़ी जो कब्र में दफन की गई थी उसको कोर्ट के आदेश से मतलब निकलवाया गया। अब
बॉडी जो जा रही है पोस्टमार्टम के लिए, फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो सब बताया जाएगा आप लोगों को।